ज्योतिरादित्य सिंधिया विश्वकर्मा समाज एवं क्षत्रिय खंगार समाज के लोगों से रूबरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी हाल ही में सभी समाजों की बैठक ले कर रूबरू हो रहे हैं। वैश्य समाज, पाल समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज के बाद करेरा में रविवार को मैरिज गार्डन रजनी वाटिका में विश्वकर्मा समाज एवं क्षत्रिय खंगार समाज की बैठक ली। बैठकों में समाजों के पुराने इतिहास को अपने भाषण की शैली में रखकर बात रखी। इसके अलावा विश्वकर्मा समाज की बैठक में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि विश्वकर्मा समाज इस देश ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की शक्ति ही। भगवान विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु का चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, द्वारिका, पूरी लंका सहित अन्य का निर्माण किया है, इसलिए विश्वकर्मा समाज हमारे दिलों में है। खंगार समाज की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाराजा खेत सिंह खंगार ने पृथ्वीराज चौहान के संग कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों की सेना के होश उड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि इतिहास जानना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने कहा कि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। महाराजा खेत सिंह गढ़ कुंडार में रहे, जो आज का निवाड़ी है, जुझौती खंड ही आज का बुंदेलखंड है। बलिदान के मामले में उन्होंने समाज की नारी शक्ति का भी जिक्र किया। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राजखेड़ा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त एवं पूर्व विधायक जसवंत जाटव, पूर्व विधायक शकुंतला खटेक करैरा, सीमा गौड़, वीनस गोयल, पूर्व मंत्री भैया साहब लोधी, विजय शर्मा, जनपद अध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव, कार्यालय मंत्री सुनील झा, शशिकांत विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया समस्या सुनने के लिए बामौर निवासी बुजुर्ग छोटे लाल के पास पहुंचे, आवेदन लेकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और इसलिए मैं कहता हूं, ये विश्वकर्मा समाज केवल इस पृथ्वी का समाज नहीं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का समाज है। सोने के लंका के अलावा, सोने के लंका के अलावा अनेक भवनों का निर्माण किया, सुंदरता और अद्वितीयता की क्षमता इस समाज की। और कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी की तो इतनी अतुल्य अनुभव थी कि उनकी क्षमता थी, कार्य शक्ति थी कि खड़ाव को भी पानी में चलाने वाली की क्षमता अगर किसी की थी तो भगवान विश्वकर्मा। तो हमारा विश्वकर्मा समाज मंदिरों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण, औजारों का निर्माण, मनुष्य जाति अगर आज सफल है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्वकर्मा समाज के आधार पर आज सफल हो चुका। पथ प्रदर्शन हर एक क्षेत्र, अगर शिल्पकार की हम बात करें, आपके समाज का व्यक्ति नहीं लेकिन मेरे दिल का हिस्सा मोहन विश्वकर्मा का होना रहा। और मोहन विश्वकर्मा जी केवल आपके समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं, लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे मोहन जैसे व्यक्तियों के साथ काम करने का के लिए एक मौका मिला है, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के साथ 40-50 साल समाज सेवा में बिताया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लगाव है तो वो लगाव राजनीतिक लगाव अकेले नहीं, वो लगाव लेन देन का रिश्ता नहीं, वो लगाव अगर है तो इस मंच पर से मैं ऐलान करना चाहता हूं एक दिल का रिश्ता और खून का रिश्ता विश्वकर्मा समाज। मैं आपको वचन देता हूं, सिंधिया परिवार ने सदैव विश्वकर्मा समाज का साथ दिया। भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में हम लोग
यष्टांग नमस्कार और मैं आपको अपने तरफ से वचन देता हूं कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर केवल सामाजिक विकास नहीं, क्योंकि विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति विश्वकर्मा समाज का अकेले का नहीं है। विचारधारा के साथ जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, वासुदेव कुटुंबक की सोच है, पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। उस सोच के आधार पर, उस विचारधारा के आधार पर हम अपने समाज का मार्ग भविष्य का प्रशस्त करें और उस अभियान में आपके साथ कंधे से कंधे मिलकर